गुड मॉर्निंग गाइस। तो बस अब मैं तो तैयार हूँ एकदम, और अब ये लोग तैयार हो रहे हैं, और बस 15 मिनट में हमारी गाड़ी आने वाली है हमें पिक करने के लिए। एंड फिर अब हम निकलते हैं। मैं पूरी रात नहीं सोई, मेरे पेट में इतना दर्द था। आई हैव सम गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, तो वही है। फिर पूरी रात दर्द था, तो वही है, थोड़ी रेस्टलेस हूँ। बट मैं एक्साइटेड भी बहुत हूँ। आज देखते हैं सफारी पे क्या दिखता है। कुछ दिखता है, नहीं दिखता है, तो होपिंग फॉर द बेस्ट एंड फिंगर क्रॉस्ड। एंड बस अब निकलते हैं। मैं अभी ग्रीन टी पी लेती, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। कुछ खा लेंगे नीचे जाके, अभी थोड़ा सा बिस्किट बिस्किट, एंड देन देखते हैं आगे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द डे। चलो फिर बस अब ग्रीन टी पीते हैं अपना। एंड हे यू गो, हाय, गुड मॉर्निंग। गरम, बाहर चल के देखते हैं कितनी ठंड हो रही है। मैं अभी तक बाहर नहीं गई। ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, देखने से ही बात। देख के आती हूँ। अजान हो रही है। आवाज आ रही है। वाव, आई विश दिन अच्छा निकला है। प्रेयर सुनते सुनते दिन स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी, अब जल्दी से ग्रीन टी पी लेते हैं, नहीं तो गाड़ी आ जाएगी। आई थिंक मैं कुछ अच्छा सा चलो कॉल आ गई, चलो लेट्स गो। बस बस हमारी गाड़ी आ गई और हम लोग निकल रहे हैं। जल्दी 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 जल्दी। अभी इतनी जल्दी में भाग भाग के आया और पता चला कि वो कॉल हमें गलती से लग गई थी, हमारे लिए पिकअप नहीं था। और इतनी तेज तेज भाग के आए ना अभी हम लोग। तो बस अभी मैं बाहर हूँ और थोड़े से ठंड एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है, सुबह इतनी ठंड नहीं है जितना लास्ट ईयर थी, और जबकि हम इससे लेट आए थे। बट स्टिल अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड है। सुबह सुबह अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। वाह, लाइफ तो इनकी है एकदम। हाँ, तुम हमेशा व्लॉग में जब भी दिखते हो, तुम हमेशा कॉफी पीते हुए दिखते हो। वेटिंग फॉर आवर जीप, और अभी तक जीप नहीं आई है। हमें आधा घंटा वेट करते करते हो गया। सनराइज हो रहा है, वो बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है सनराइज। बस जब तक हमारी जीप आ जाए, जब तक सनराइज हो। जीप आ गई है। फोन में आईडी, फोन में चलेगी ना आईडी। कल अटू बैठो, गुड बॉय। निकल गए, लेट आ गया बहुत। हाँ थोड़ा सा वो है ना, दो जगह से ना टिकट मिलने में थोड़ा वो। अच्छा अच्छा, जोन कौन सा है आज? वन, जोन नंबर वन। हाँ हाँ, अब गए थे क्या? नहीं नहीं, पिछले साल गए थे। अच्छा भाई, मत से घुमाना बस। नहीं घुमाइए तो। वैसे साइटिंग है जोन फर्स्ट में? जोन वन पर साइटिंग है ना, कल तो हुई थी। एयर टाइगर दिखा था 101। अच्छा, और क्या बोलते हैं, कब पक्स भी उधर इधर लोग कभी कभी टूरी जो टाइगर से दो नंबर वाली। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। पहले कब आए थे? पिछले साल फेब फेब्रुअरी में आए थे। एरोइड देखा था मैं तो, पैक हो चुका। स्टार्ट हो गया, काफी ठंड है, काफी ठंड है। अभी
हम वापस आ गए अपनी सफारी से। सेकंड में आज होगा क्या? या सो गाइस, अब हम लोग मॉर्निंग सफारी से आ चुके हैं और हमारी सफारी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा आज। बेसिकली क्या हुआ, हम लोग जब अंदर घुसे हैं एंड उसके मतलब उस जोन के अंदर जो टाइग्रेस थी वो बाहर निकल गई, और जो ऐसी फ्री में जो फोर्ट वगैरह उसके पास एक फोर्ट है तो वहाँ पे आप नॉर्मली आ सकते हो, जोन्स में नहीं जा सकते हो बट आप वो फोर्ट में जा सकते हो। तो जो उस फोर्ट में लोग जा रहे थे और जो हमारे से पीछे लोग थे जो काफ़ी लेट आए थे, उन लोगों ने उसे बाहर देखा है एरिया में। तो बस आज का थोड़ा अभी इस सफारी का थोड़ा बैड लग रहा है, अब देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली अब दूसरी सफारी में। तो अभी आ गए, अभी मैं 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी एंड देन हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। फिर ब्रेकफास्ट खा के फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर हमारी दूसरी सफारी है। अब आई थिंक हमें 1:30 बजे पिकअप हो जाएगा, तो वही अब देखते हैं उसमें क्या होता है। तो बस अभी इतना ही है और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट करने का मन है मेरा। थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड देन उसके बाद मिलते हैं। बैक टू रूम, और फिर अब हमें दोबारा सफारी के लिए जाना है 2 बजे। तो तब तक के लिए हम थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, फिर उठ के लंच भी करना है। तो मैं अब थोड़ा सा सोने जा रही हूँ, मैं रात भर सोई नहीं, मैंने बताया था। तो बस फिर मैं मिलती हूँ जब मैं सो के थोड़ा सा उठूँगी, थोड़ी सी नाप ले लेती हूँ तो सही रहेगा मेरे लिए भी। देन सी यू, एंड मैं सोने जा रही हूँ, बाय। अब हमने लंच वंच कर लिया है, अब हम निकल रहे हैं रिसेप्शन में जाके बैठ रहे हैं, फिर हमें कॉल आएगी सफारी के लिए तो फिर हम जाएंगे। अभी फिलहाल तो हम रिसेप्शन पे जा रहे हैं, फिर मिलते हैं सफारी पे। देखो होपिंग फॉर द बेस्ट कि अब क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा कुछ नहीं पता है, चलो देखते हैं। दिखेगा अच्छी बात है, दिख जाए। और अब हम निकल गए हैं सफारी पर, तो अब हम वापस आ चुके हैं एंड हमें शाम को भी साइटिंग नहीं हुई है ना सुबह हुई। ये थोड़ा सैड दिन था बट ठीक है, उसी सैडनेस के साथ हम थोड़े पकोड़े और ग्रीन टी एंजॉय कर रहे हैं एंड बस अभी हम खाते हैं, फिर दोबारा हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे इसी थोड़ा सा आसपास घूमने के लिए एंड देन फिर रूम में आएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं आगे।
तब तक के लिए बस यही है. एंड वी आर बैक फ्रॉम द वेरी फ्लॉप सफारीज. सो आज तो सुबह शाम दोनों टाइम पे ही सफारी नहीं हुई है. थोड़ा थोड़ा दुख हो रहा है बट ठीक है यार. ठीक है, अब हमारी 3 सफारी लेफ्ट है. अब देखते हैं क्या होता है. तीनों में से दिखता नहीं दिखता. और चलो हमें तो दिखा भी है पहले, पर आज की तो फर्स्ट टाइम है तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है कि उसने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया कि कैसा लगता है एग्जैक्टली. इवन प्रॉपर कॉल्स भी नहीं आती है, दूर दूर से कॉल्स भी नहीं पता चलती है कि हाँ कहीं पे है भी जंगल में. तो बिल्कुल ही ब्लैंक जा रहा है, कोई मूवमेंट का कोई वो ही नहीं है कि मूवमेंट हो भी रही है कहीं भी, ना सुबह के टाइम ना शाम के टाइम. तो वो तो इतना ही बोर हो गया था कि सो ही गया वो तो आज सफारी पे. तो ऐसे ही चल रहा है, अब देखते हैं. विश ही कर सकते हो और क्या. होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट बार बार बोल के जाती हूँ और कुछ भी नहीं दिखता. तो देखते हैं अब क्या होता है कल. तो बस अभी तो ऐसे ही है, रेस्ट लेंगे थोड़ा सा ना. मैं इस वजह से भी एनर्जेटिक फील नहीं कर पा रही, नहीं तो मेरा तो ये है कि एनिमल्स देख के तो मतलब मैं कितनी भी बीमार हूँ मैं उठ के बैठ जाती हूँ. बट वही है कि थोड़ी तबीयत खराब भी चल रही है, ऊपर से एक्साइटिंग भी नहीं हो रही है. बट ठीक है, मेरे लिए तो चल जाता है. मेरे को ये चीज़ें एक्साइट कर देती है, जंगल वंगल में रहना, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना, ये करना वो करना. बट ठीक है, हर कोई एक जैसा नहीं होता ना. तो अर्ज थोड़ा सा बोर हो रहा है और पर वो होटल में बहुत इंजॉय कर रहा है. बस बाकी जैस भी एनिमल्स का थोड़ा सा है उसका, वो भी जंगल वंगल इंजॉय कर लेती है. तो बस ऐसे ही चल रहा है. अभी डिनर विनर करेंगे, पकौड़े तो खा लिए मैंने थोड़े से. अब देखो मेरे को गॉल स्टोन प्रॉब्लम है कहीं, बस वही है कि वो उससे मेरे को दोबारा कुछ प्रॉब्लम ना हो, रात को पेन ना हो. समझ ही नहीं आ रहा. और मुझे तो लगा था यहाँ पे कहीं पास में हॉस्पिटल भी नहीं है, तो कल मुझे लग रहा था क्योंकि मैं मेड से भी ठीक हो नहीं रहा था बिल्कुल भी. तो लेट्स सी, अभी देखा हमने पास में हॉस्पिटल है अगर जाना पड़ जाए तो. वैसे तो आई विश ऐसा बिल्कुल भी ना हो. वैसे भी कल से थोड़ा सा मूड भी ख़राब था, थोड़ा सा अजीब अजीब सी न्यूज़ सुनने को मिल रही है तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है चीज़ों के लिए. ऐसा ही चल रहा है. तो बस अब कल देखते हैं सुबह क्या होने वाला है. अभी शायद हम लोग रात को एक बार जाएंगे. आसपास क्या होता है, विलेजेस में आ जाते हैं कभी कभी टाइगर्स, तो जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट रहती है एक बार वो वाले एरिया जाके देखेंगे रात को नॉर्मली घूम के. फिर देखते हैं, क्या पता कि दिख जाए हमें कहीं भी. तो बस अब वही है. बाकी तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करते हैं अपना, टीवी भी देखते हैं, उसके बाद बस डिनर करके फिर जाएंगे. फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ एग्जैक्ट. ठीक है, मैंने पास्ता थोड़ा सा लिया था, ख़त्म कर दिया है ना. अभी मैं नान का वेट कर रही हूँ. एंड दिस इज़ बटर चिकन, सेम अर्श का है और जैस ने सिर्फ और सिर्फ बटर चिकन खाना है. और टमाटर, टोटली नॉन वेजिटेरियन. और टमाटर, अच्छा. आज अर्श का एक एजेंडा है कि इसे आज राइस नहीं खाने हैं, है ना? राइस क्यों नहीं खाने आज? रात को जुकाम हो जाता है, रात को कोल्ड हो जाता है. अगर कल ही खाया है ना, आज पास्ता देख के और बटर चिकन देख के आपने ऐसा बोला है, अगर कल आपने राइस खाया ना लड्डू, तो मैं तो बटर चिकन राइस नहीं खा. तो देखते हैं. तो बस अब हम नान का इंतजार करते हैं और अब हम खाते हैं. ओ अब नान खाएंगे, चलो. सो अब हम निकल रहे हैं बाहर थोड़ा घूमने के लिए, लेट्स सी क्या होता है. हम जा रहे हैं हेलीपैड के पास. हम जा रहे हैं हेलीपैड के पास, क्या पता वहाँ पे कोई टाइगर मिल जाए. हम पागल हो चुके हैं टाइगर ढूंढने के चक्कर में. पर वहाँ पे मतलब आते हैं, लोकली आते हैं. जो जो एनिमल लवर है कमेंट में लिखना. क्या मैं एनिमल लवर. अच्छा चलो ठीक है, अब हम निकलते हैं फिर देखते हैं. हमें हाइना दिखाई है अभी सामने से निकलेगा. जस्ट डोंट डू एनीथिंग ना. नहीं नहीं वो मत ऑन करना, बस ये सी वो मैं नहीं कर रही, वो ऑटोमेटिकली हो रही है. दिस इज हाइना. ओ इट्स बिग. हां हाइना इज बिग. अबे यार लड्डू है ना, क्या सही लग रहा है यार.
कैट तो नहीं मार दिया? नहीं नहीं, कैट भाग गया तो सर। Oh my God, scary. अगर मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो कर सकता है ये? बिल्कुल, लेकिन हम उतरने नहीं देंगे। This is big one, huh? Yes. This is big one. Oh my God. Looks really scary. So guys, we are back at the hotel. और अभी जो भी हम बाहर गए थे देखने के लिए, हम लोग बेसिकली टाइगर देखने गए थे, बट हमें टाइगर नहीं ना देख के हमें हाइना दिखा। एंड वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने बहुत चक्कर काटे एक जगह के, रणथंभौर का जो मेन गेट है उसके आगे काट रहे थे। मैंने कहा चलो दिख जाए, कुछ तो दिख जाए, बिकॉज़ लोग बोलते हैं कि वहाँ पे मोमेंट होती है रात के टाइम। तो हम लोग चले गए देखने के लिए, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत। और अच्छा खासा हाइना था, एज अ ग्रोन अप टाइप। मतलब मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि हाइना इतने बड़े दिखते हैं। मैं सोचती थी थोड़े छोटे होते हैं, बट एक्चुअल में थोड़े बड़े होते हैं, बड़े स्कैरी से होते हैं। तो एकदम से उसकी आंखें चमकी एंड उसने क्रॉस किया एंड जैस ने बोला हाइना। मैंने कहा हाइना इतनी मतलब इजीली कैसे दिख सकते हैं? हाइना जल्दी से दिखते नहीं है। और मेरे को इतना तो पता है कि मेरे को ये सफारी पे नहीं दिखते, ये थोड़े छुपे रहते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखते सफारी पे। तो इतना तो मुझे पता है, मैं दूसरी बार आई हूँ, तो आज तक मैंने मतलब मैंने कभी किसी सुना भी नहीं कि हाइना दिखता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पूरे दिन की ऐसे साइटिंग तो हुई नहीं थी, थोड़ा सैड भी हो रहे थे, तो वो सैडनेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है हाइना देख के। काफ़ी खुश हूँ मैं, क्योंकि टाइगर तो शायद हमें दिख सकता है, अभी भी हमारी 3 सवारी बची है एंड आई विश कि दिख जाए। तो बस यही है, बट हाइना देख के मुझे बहुत खुशी हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी देख के नहीं जाऊँगी, तो हाइना तो मैं देख के जा रही हूँ, ये तो मुझे पता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था ये, और काफ़ी खुशी हुई। कल भी हम लोग एक बार जाएंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि कल खाना वाना खा के दोबारा देखने चल जाए, क्या पता कुछ और दिख जाए, कुछ भी दिख सकता है। तो हाइना देख के तो बहुत खुशी हुई। बाकी बस जैस बाहर है, प्रेयर कर रही है, और आर्श यहाँ पे है, और मैं पूरी मतलब ब्रश व्रश करके एकदम रेडी हूँ सोने के लिए। बस जैस का वेट कर रहे हैं एंड देन हम लोग सो जाएंगे। थक तो हम लोग बहुत गए हैं, तो बस अब सुबह उठना है जल्दी। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी शायद 11:30 हो रहा है एंड अब सोने का टाइम है। सुबह जल्दी उठना है, मैं भी 5 बजे उठ जाऊँगी मैं, क्योंकि एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। अब देखती हूँ कि कल शायद मैं नींद पूरी लेने की कोशिश करूँ, तो आई ट्राई। बट जो भी था आज, ओवरऑल थोड़ा सा ऐसा जा रहा था कि कुछ भी नहीं देखा एंड दिस एंड दैट, बट थोड़ी खुशी हो गई है। तो फिर कल मिलते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। प्लीज़ बाय।